हालांकि ट्रैक छोटा सा ही है ये, पर मजेदार है। छोटी नहीं है, गुफा तो बहुत लंबी है, पर मुझे लग नहीं रहा इसमें जा पाएंगे। फैसिलिटी है यहाँ के ये झरने, यहाँ का ये जंगल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत दर्शन में, और मैं हूँ आज छबी मोरा में। छबी मोरा त्रिपुरा में उदयपुर के पास एक जगह है, जहाँ पे पहाड़ पर अलग अलग प्रकार की दुर्गा माँ की या अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। तो आज बिना देर करते हुए नाव में बैठ के सीधे ले चलेंगे अब आपको उन मूर्तियों के पास। तो चलिए चलते हैं छबी मोरा। बाकी ये जो जगह है ये उदयपुर सिटी के पास में ही है त्रिपुरा में, तो अगरतला से लगभग 82 किलोमीटर दूर है। तो टैक्सी से भी आप आ सकते हैं, 2 से 3 घंटे का रास्ता है। चलिए बाकी बिना विलंब किए हुए चलते हैं अपनी आज की सवारी इस नाव में। तो मित्रों, छबी मोरा की पहली डेस्टिनेशन और यहाँ की सबसे लंबी वाली डेस्टिनेशन पे हम आ चुके हैं। ये है महिषासुर मर्दिनी, या कहें कि माँ दुर्गा की मूर्ति, जो यहाँ पे सबसे बड़ी है। और ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, जो आकृतियाँ हैं जो पहाड़ों पे कुरेदी गई हैं, उकेरी गई हैं, ये लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की हैं। जिनकी डेटिंग हुई तो उसमें यही पाया गया कि भाई 15 से 16वीं शताब्दी के बीच की हैं, और बहुत लंबे समय तक तो एबेंडन पड़ी रही, मतलब कि किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही पड़ी रही। फिर बहुत बाद में जब लोगों ने, मतलब लोकल लोगों को पता था सिर्फ, फिर धीरे धीरे जब टूरिज्म को यहाँ ग्रो किया गया और इसको और स्टेट वाइज स्टेट लेवल पे, फिर बाद में और ऊपर की नेशनल लेवल पे भी इसको पहचान मिली। हमने इससे पहले जितने भी मैदानी इलाकों में मूर्ति देखी थी, चाहे वो किसी महल में थी, किले में थी, मंदिर में थी, खजुराहो की बात करें या उससे अलग और किसी जगह की बात करें, तो मूर्तियां ज़्यादातर तोड़ी गई थी, खास करके मुगलों द्वारा या उसके बाद में जो कोई आक्रांत आए उनके द्वारा। परंतु ये मूर्ति क्या है कि ये तोड़ी नहीं गई है, जैसे आप देखेंगे स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा खराब हो गया है, तो उसका कारण है कि ये पहाड़ रेतीले हैं थोड़े, ये स्ट्रॉन्ग पत्थर नहीं है, ग्रेनाइट स्टोन या कोई और ऐसा स्टोन नहीं है कि जिस पे लंबे समय तक एक आकृति उसी अवस्था में बनी रहे। तो ये समय के साथ धीरे 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 थोड़ी खराब होती गई है। ये है भाई अपनी दूसरी डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे ओवरऑल 2 जगहें हैं जहाँ पे रुकना था, एक वो जहाँ पहली मूर्ति है बड़ी वाली, और एक ये जगह। अब यहाँ क्या है वो जाके देखेंगे। दूसरा एंट्री में मैंने आपको दिखाया ही वो शुरू में जो कुछ मूर्तियाँ, छोटी बड़ी मूर्तियाँ हैं, तो एक वो स्पॉट है। तो चलिए चलते हैं स्पॉट पे भी आगे। बाकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, ये देखो ये जो नदी के साथ साथ है, नदी की धारा के साथ साथ है पूरा जंगल के अंदर। अपनी यात्रा की अगुवाई करते हुए चलते हैं इसी ट्रैक पे आगे। जबरदस्त लोकेशन है भाई, सुपर, मतलब यहाँ तो आना चाहिए यार किसी को भी। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी कोई व्यक्ति है जिसको लगता है कि वो उदयपुर के आसपास है, अगरतला के आसपास है, तो यहाँ तो ज़रूर आए। हालांकि ट्रैक छोटा सा ही है ये, पर मज़ेदार है। यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, एक शिवलिंग यहाँ भी उकेरा हुआ है। मतलब ऐसे ही पहाड़ों पे उकेरी हुई मूर्तियाँ, एक जो हमने देखी थी वो थी ऊनाकोटी में। तो ऊनाकोटी में भी यही था कि वहाँ भी पहाड़ पे, दीवारों पे, झरने पे मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं। बड़ा बोरिंग लगता होगा आपको ये मूर्ति उर्ति वाला ये चक्कर कि क्या जंगल में पहुँच गए, मूर्तियाँ दिखा रहा है, वे है क्या। यहाँ है एक बड़ी अच्छी गुफा जो कि मुझे पता भी नहीं था, तो चलिए चलते हैं अंदर। अरे ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही हालांकि, मुझे बहुत छोटी सी है, या तो हो सकता है मिट्टी में दब गई होगी समय के साथ। नहीं भाई ये छोटी नहीं है, गुफा तो बहुत लंबी है, पर मुझे लग नहीं रहा इसमें जा पाएंगे। पूरा बैठ बैठ के अंदर जाना होगा। जा तो सकते हैं, थोड़ा रुको देखते हैं कितना जा पाएंगे। सफोकेशन रहेगा, घूम नहीं सकते हो इससे। हाँ देखे थोड़ा अंदर तो चलते हैं यार। हाँ है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। हाँ सांप भी है, सांप वहाँ तो दिख नहीं रहा होगा। देखिए तो यार इधर भी ना एक राजगीर टाइप गुफा है, जैसा हमने राजगीर में देखी थी पूरा अंदर तक जाके, लेकिन ये उससे भी संकरी है। मतलब इसमें मैं कहूँ कि बैठ के जाना है तो बैठ के नहीं, थोड़ा आगे जाके
कोहनियों पे चलना पड़ेगा। तो शायद मुझे लगता है ये लास्ट पॉइंट है इस जगह का, क्योंकि हमारे साथ कोई गाइड वाइड तो है नहीं, उन्होंने छोड़ दिया और हम आ गए। फिर भी जो अपना रिचुअल है कि बिना आगे जाए हम मानते नहीं, तो चलो थोड़ा सा और चला जाए। हालांकि यहाँ ट्रैक ख़त्म हो जाता है। ये जगह मुझे लग रहा है शायद गुफा के लिए ही होगी ये जो स्पॉट है, क्योंकि इससे आगे कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये झरना या कहें कि ये नदी है, इसमें आप आगे जा सकते हैं। और गुफाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है कि समय के साथ में ना, वो कभी कोई हल्का फुल्का भूकंप आए या कोई और जो क्या बोलते हैं उसको, जो प्लेट हिलती हैं ज़मीन की, उसके कारण भी कई बार वो गुफाएं बंद हो जाती हैं, दब जाती हैं। तो हो सकता है कि ये गुफा कभी बड़ी रही हो और अभी ये बंद हो चुकी हो। अच्छा, यहाँ पे तो एक और गुफा जैसा ही स्ट्रक्चर है, पर ये पूर्ण गुफा नहीं है। लग तो रहा है कि ये खोद के बनाई गई होगी, मतलब समझ नहीं आ रहा। अगर इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से देखने में लग रहा है कि अरे गुफा है या पहले कभी रही होगी। इसमें कोई जानवर है ये, और जानवर का नाम मुझे नहीं पता क्या है। जैसे इसके पास पहुँचे तो हिलने लगा, तो ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। मैं कह यार चलो करते हैं वापसी, बहुत ज़्यादा बड़ा स्पॉट नहीं है और देखने के लिए कि भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो ये क्या यहाँ गाइड वाइड होते नहीं तो कुछ खास समझ भी नहीं आएगा। तो आपने जो पढ़ा है या पढ़ के आए हो या हमारे जैसी कोई वीडियो देख के आए हो तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा क्या है, कैसे जाना है। पर जो होता है ना कि एस्केप जो लोग ढूंढते हैं कि वीकेंड के लिए एक एस्केप होना चाहिए, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन जगह है। मतलब कोई अगरतला से जैसे यहाँ पे आना चाहे, या है कि उसकी आइटनरी में त्रिपुरा का पूरा प्लान है, तो इस जगह को मिस मत करना। मिस का कारण है कि वो मूर्तियाँ नहीं है, स्पेशलिटी है यहाँ के ये झरने, यहाँ का ये जंगल, ये सुनसान जगह है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नाव की ओर और फिर चलते हैं वापस। चलिए यार अंततः आ गए वापस। यही था छवि मोरा, छवि मोरा की छवियां, वहाँ की कलाकृतियाँ, कृतियाँ। बाकी एक चीज़ अब सबको याद रखनी है, वो लाइक वाइक शेयर वेयर नहीं है, वो है सस्टेनेबल टूरिज्म। मतलब कि जब भी कहीं टूर पे जाओ तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्लास्टिक से बचना। और एक जो सब स्पेशली वो है पानी की बोतल। पानी आप घर से अगर लाओगे ना बोतल, वो रिफिल कर लो यार, कहीं भी हो जाती है। आपने अगर यहाँ आके कहीं भी जाके पानी की बोतल खरीदी तो वो निश्चित रूप से फेंक के प्लास्टिक आपने एक योगदान दे दिया, जो कि कभी भी बायोडिग्रेड नहीं होनी। और बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट, इनकी सफाई व्यवस्था ऐसी है कि ये उसको अंत तक, उसके क्या बोलेंगे, रिसाइकल सेंटर तक पहुँचाएँ। तो वो यहीं ऐसे ही किसी जगहों पर अगल बगल आपको दिख भी जाएगा, किसी टूरिज्म साइट पर जाओगे आप, तो ये ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं कल फिर एक नए दिन में, नई जगह पर, नए लोगों के साथ, कुछ ना कुछ नई हिस्ट्री के साथ भी। नमस्कार, राम राम।